शहर में मारो घाघरो जो घूमियो रे घूमियो रे घूमियो रे घूमियो ओ यो सब मरगर मारो घाघरो जो घूमियो रे घूमियो रे घूमियो रे घूमियो रे घूम घूम के तो मैं घनी परेशान होली। यो ना मने समझ कोनी आ रहा ये वीजा प्राप्त होवे तो होवे कैसे, घनी समस्या आई खड़ी हमारे सामने। तो एब बात न्यू से कि मैं ना दिल्ली तक होके आली। सभी ने मन्ने बोल दिया दिल्ली चली जा, वहाँ राजधानी में से पता कर ले, तू हरियाणा की रहने वाली देसी सी छोरी से तन्ने कुछ भी पता कोनी, वहाँ जाके पता लग जाएगा कि किस तरह से यू वीजा मिले से। हमारी तो परेशानी और बढ़ गई। उसके बाद मन्ने ना इनका एक आदमी मिल लिया, बोला छोरा कि देख गुलाबो तन्ने परेशान होने की जरूरत कोनी, यो हमारा ग्लोबल पंजाब टीवी से ना यहाँ इनकी सीधी बात से अमेरिका कनेडा वालों से, यो तो थारे को अपने आप बता देंगे कि यो वीजा मिले तो मिले कैसे। मन्ने तो देखो सब्जी वाले से भी पता कर लिया, मन्ने धोबी से भी पता कर लिया, मन्ने अपने घर के आसपास में बड़े लोगों से पता कर लिया कि ये वीजा जो बला से ये मिले तो मिले कैसे, कहाँ से मिले। मारी तो परेशानी और बढ़ गई, न जाने पता नहीं क्या हुआ। एक तो जब से यहाँ आई हूँ बबलू, मैंने आके कहने लगा कि देख गुलाबो कुछ पिएगी ठंडा का गर्म पिएगी। मन्ने कहा चलो मैं इतनी दूर से आ रही थकी हुई, तो ऐसा कर ठंडो भी मंगा ले गर्म भी मंगा ले। देखो का किया, कहने लगा ए विनोद यूं कर एक गिलास गरम और एक गिलास ठंडा पानी लिया। ये अभी मेरे साथ मजाक करने लग रहे से, अब मेरे से मजाक की बर्दाश्त को नहीं रहेगी। मन्ने तो सीधो सीधो फोन करके यो बता दो कि यो वीजा मिले तो मिले कैसे। मारी परेशानी का कोई हल निकालने के लिए ना यो जो नंबर दे रहे टेलीविजन पर यही बोलना से, हाँ ये नंबर दे रहे 3471 के लिखे 2521232, इस नंबर पर मारे को जल्दी से फोन कर दियो, मारी तो परेशानी का हल दे दियो। क्योंकि मारा अब तो आपको सबको मालूम है यो चीज़ कि ना हमारे हरियाणा में ना घनी लाइट की प्रॉब्लम से, उसके बाद में तो यहाँ इनके एसी की ठंडक लेने आई, लेकिन मन्ने यहाँ आके पता लग गया कि एसी एक घंटे बाद ये भी बंद कर देंगे जब प्रोग्राम खत्म हो गया। मन्ने कहा ये भी आधे घंटे का प्रोग्राम से कौन से। हेलो हेलो सत श्री अकाल गुलाबो जी। बहन जी सत श्री अकाल, क्या हाल है बहन जी? ठीक है आप बताइए। मारो तो परेशान होगी, घनी समस्या पड़ी हुई है बहन जी, बहुत घनी समस्या। मैंने ये वीजा नहीं मिल रहा, किसकी दुकान से मिल रहा ये वीजा? ऐसा करो ना, जो जहाँ इंडिया के बाबे है उनको वीजा बड़ी जल्दी मिलता है, आप किसे बाबे के साथ बात कर लो, उनकी चेली बन कर आ जाना। चेली बन के यो काम ना हमारे से होगा, यो देखो यहाँ जो गौन वाले या ओ बड़े चक्कर लाऊं दिया उन्ना ने नाल कोई ढोलकी बजानी सीख लो। आहा यो काम भी ना हमारे से होगा, मन्ने तो देखो स्टडी बेस चाहिए, स्टडी बेस। मन्ने 12 क्लास पढ़ रखी, थोड़ा मुश्किल है बाबियां वाला गौन वाले वाला, ये बहुत इजी है, यो बहुत आसान से। आहा पर एक बात मन्ने बता दो, ये वीजा से के होवे के बला होवे, कोई ऐसे कोई दुकान दुकून कोई नहीं? मन्ने तो सारी जगह पता कर लिया बहन जी। अच्छा नहीं नहीं तुसी किसे बाबा लबो? बाबा कोई बाबा का नाम ही दे दियो, मैं किसी बाबे के संग में जाके पता कर लूंगी, या मोदी भाई साहब से पता कर लूंगी। बथेरे बाबे आ हरियाणा के, बथेरे बाबे आ। अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, पर आजकल बाबों के वहाँ पे एंट्री लेने के लिए भी घना मुश्किल हो रहा है, उनकी भी अपॉइंटमेंट। गौण वाले ना कर लो, गौण वाले भी बथेरे तुरे फिर दिए इटन चक्की, वो तो आके वहाँ पंजाब में पंजाबी का गाना गान लगेंगे, मैं क्या करूंगी, मैंने तो हरियाणवी गीत के अलावा कोई गीत ही ना। नहीं नहीं तुसी ढोलकी बजानी सीख लो ना, नाल ढोलकी बजाना कोशिश करती हूँ, थारी सलाह के ऊपर चलने की कोशिश करती हूँ। यो भी तो कह रहे के भी तू बाबा जी के पास चली जाओ, तारे को अपने साथ में ले आएंगे, यो तो मैंने समझ आ नहीं रहा कैसे आऊंगी मैं, खैर कोशिश करती हूँ। अगला फोन आ गया, हेलो 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 हेलो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी, कैसे हो? मैं तो के बताऊ, हमारी तो समस्या तने सुनी ली, मैंने यो वीजा करना समझ में आ रहा, उलझी पड़ी मैं तो। आपको वीजा चाहिए ना? हाँ बहुत बहुत जरूरत पड़ रही, देखो हमारे हरियाणा में बिजली की बड़ी दिक्कत से, बहुत दिक्कत से। ये तो लोगों ने मन्ने भी बिजली गुलाबो कहना बंद कर दिया, कहते गुलाबो बिजली तो यहाँ आवे ना, हम तो नाम ही भूल लिए। अच्छा हमको
हमको तो गुजरात आती नहीं है, आपकी बिहारी। क्या हो गया? हमको तो आपकी बोली आती नहीं। थारे को मारी भाषा समझ में आए? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, मन्ने सारी भाषाएं समझ में आए, चाहे तुम बंगाली में बोल लो, चाहे मद्रासी में बोल लो, चाहे पंजाबी में बोल लो, अंग्रेजी में थोड़ा सा आतंक से मारा। आई कांट पंजाबी आंदी सानू, पंजाबी आ उसमें बोल लो, आओ बोलो बोलो पंजाबी में, बोल पंजाबी में। तो मैं जब से पंजाब में आई ना, हर जगह गली नुक्कड़ कोने में सुन रही है थारी ए उसकी, ये तो बहुत सुन लिया मैंने। अच्छा अब मैं क्या करूं, मैंने वीजा दी समस्या जो पड़ रही से। तो वीजा लेना था आपको? वीजा लेना कहाँ से मिले ये वीजा? ना सब्जी वाले पे मिले, ना राशन वाले पे मिले, किस पे मिले? अच्छा वीजा पट्टी वाले से मिलेगा। पट्टी वाले से? यो जो ईंटे बनावे से, उनसे? तुमने उनसे लिया था? आपको तुमने उनसे लिया था बहन जी? उसने मारे सिर में दो ईंटे मार देनी, अगर ये वीजा दे देगा या तो सिर में दो ईंटे मार देगा, एक काम होएगा, या आर लगूंगी या पार लगूंगी। नहीं नहीं देगा आपको वीजा जरूर। ठीक है मैं जाके भट्टी वाले का नंबर ले लियो बहन जी से। ठीक बहन जी, बहुत बहुत घना घना धन्यवाद है तुम्हारा। हाँ हेलो। हेलो हाँ बहन जी, नमस्ते है, सत श्री अकाल, सबे कुछ है, क्या हाल है बहन जी? हाँ जी हाँ जी, नमस्ते जी, मेरा नाम परमप्रीत है। हाँ जी बहन जी, मैं मिशिगन तो बोल दी जी, ऐसे तो जी ते मैं ताडा शो ला के देखन डई हां, शो बहुत चंगा वा और ताडियां गल्लां बहुत अफेक्ट करदियां ने। बहन जी घना घना धन्यवाद है तारा, बहन जी बहुत अच्छा लग रहा है, मन्ने पहली बार फोन करा तुमने? हाँ जी हाँ जी, मैं पहली बार ही ताडा सुन रही हां ते मैं फोन मलाया वा। नूडल का शो ही बहुत अच्छा लगा मुझे। बहन जी मानो पता, हमारे मैगी तो ये हमारे उसमें भी बहन होगी, हमारे हरियाणा में बड़ा घणो मुश्किल हो रही है, पर घनी मुश्किल तो बीमारी है बहन जी। मैंने यो बता दो, ये वीजा कहाँ से मिले? हाँ वीजा मिलो तो अमेरिका में भी आना ना, विजिट करना अमेरिका में भी ना। मैं अमेरिका में क्यों हो गयो? हाँ मैं अमेरिका से बोल रही हूँ। हाँ आप कह लग रही है ना कि अमेरिका में मैं आऊँ कि ना आऊँ? आऊँ आऊँ जरूर आऊँ, आपका शो बहुत चलेगा जहाँ। आऊँ आऊँ मैं तो ये भी जरूर आऊँ बहन जी, और आके सबसे पहले मैं थारे को मिलूंगी। क्या बात से, क्या बात से, बड़ा मजा आ रहे हो है। इब मेरी बात सुन लो, ये तीन बहन जी ने तो मैंने के फटफट से सलाह दे दी। एक बहन जी बोली बाबे के संग में जाके संपर्क कर ले, अब मैं बाबा जाके कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि बाबे का तो अपना पासपोर्ट जो है कई बार नकली हो। वैसे मैंने तो पहली बात पूरे 6 महीने लग गयो यो पासपोर्ट बड़ो मुश्किल से मिलो। इब वीजा की प्रॉब्लम आ रही से, यो तो घनी प्रॉब्लम से घनी ज्यादा, यो वीरू वीरू इन घनी प्रॉब्लम से। मारे को एक बात बता दियो कि मैं करूं तो के करूं। इब वीजा लेने के लिए मैंने सब्जी वाले से संपर्क कर लियो, एक इमिग्रेशन के पता न जाने के कंपनी हो गए, मैंने किसी ने वहां भेज दिया, कहने लगे गुलाबो तुम वहां चली जा, यो इमिग्रेशन वाले थे ने मारे सारे पेपर लेके भाग गया, पूरे 11 लाख रुपया लेके भी भाग गया। हेलो फोन भी आ गया। हेलो हेलो जी, सत श्री अकाल है भाई जी। गुलाबो जी सत श्री अकाल। भाई साहब मैं तो घनी परेशान हो रही हूँ। यू नो राजस्थानी यू आर पंजाबी गर्ल। यो क्या अंग्रेजी में क्या बोल दिया मैंने? ना कुछ नहीं बोला हमने तो आपसे बात की, आप इतना दिल लाते हैं लोगों का। बहुत आपका अप्रिशिएट है। यो तो बहुत अच्छी बात से, बड़ा घना घना शुक्रिया। ये कौन छेद से, क्या छेद से? नहीं गुलाबो जी, मेरी वाइफ जब प्रोग्राम सुनती है ना जी, आप जब आते हो टीवी के स्क्रीन के ऊपर, उसको नींद तब आती जब आपको देखती है। वाह जी वाह, क्या बात से। इब तो तुम्हारी फोटो भी लगा लियो घर में। हाँ आप भेज दो, हमें मेल कर दो।
ठीक है मैं कर रही हूँ। यो बबलू एक काम तो कर दे, और तू कोई काम नहीं करे, तूने अभी तक मैंने ना चाय पूछी ना पानी पूछा, मैं बोल रही इसमें। आप कभी न्यूयॉर्क आना, मैं न्यूयॉर्क से बोलता हूँ दिलावर जी। इब देखो मेरे पास दो घर हो गए, लेकिन अब वीजा नहीं मिल रहा भाई साहब, मैं तो घड़ी परेशान हो रही हूँ। ना वीजा हम दिला देंगे, दिला दो ना, मैं तो आप जैसे इतनी होशियार कुड़ी को वीजा नहीं को देगा, आप तो दुनिया में जहाँ जाओ वहीं वीजा मिलेगा, मिल जाएगा। इब भाई जी मैं तो थारे पर वारी वारी चली जाऊँ, मुड़ के नहीं आऊंगी, सच्ची बोल रहा हूँ। क्यों भाई जी, मारे को तो सच्ची बोल रहा हूँ, मारे को तो रोना ही आ गयो, इतना अच्छा भाई मिल गया मेरे को, टीवी पर मिल गया। इब मैंने गिलास पानी का बुला दियो, मैं तो रो पड़ूंगी अबरी। ले लियो भाई साहब, इब मैं थाल बाद ना बात करते, मैंने रोना आ गया, मैं जरा चुप करके आ जाऊ, तुम भी आ जियो जरा, क्या करूं। ले रही हो ब्रेक, ब्रेक का लगा मामा, ले रही हो ब्रेक, ले लो भाई। आऊं मैं वापस आऊं अभी आऊं। इब मेरी बात सुनो, यो टीवी वाले लोग से ना बड़े घने चलाक हो रहे हैं, मन्ने कहने लगे गुलाबो थारी आंख में आंसू तो एक भी आए नहीं, जब से आई है तब से दांत निकाले जा रही, कभी किसने देखे, इब देखे किसी ने, मैं आज एक बार भी हंसी हूँ, एक बार भी नहीं हंसी, कैसे हंसूं, मारे को वीजा नहीं मिल रहा, मारे को यो नहीं पता लग रहा कि वो वीजा मिले कहाँ से, सब्जी वाले से भी ना मिले, राशन वाले से भी ना मिले, धोबी पर भी ना मिले, मैंने तो यहाँ तक कि ठेके पर जाके भी पता कर लिया, वहां पर तो जिस भी बंदे से पूछ लो ना वो बोले मैं तो बैठा ही अमरीका में हूँ, मैं तो बैठा ही कनेडा में हूँ, मारे को तो समझ ना आए कि वो वीजा मिले तो मिले कैसे। इब देखो मारे को भाई ने बोल दिया कि थारे को न्यूयॉर्क का वीजा मैं दिला दूं, मैं तो उस भाई के करके ना ये जोली एड्री, ए भाई जोली एड्री मैंने बुला ले मैंने बुला ले, थारो के जाओगो कुछ नो जाओगो, मैं थारे घर में आके काम कर लूंगी। के करूं भैंस गाय सबे, हाँ कौन है के, हाँ फोन है, हेलो हेलो, हाँ भाई जी सत श्री अकाल, भाई जी सत श्री अकाल जी, मैं तो घनी परेशान में हूँ, के करूं, कहाँ से बोल रहे हो। हम यूएसए से बोल रहे हैं। यूएसए, ये पहली बार कोई पंजाब में, ये हमारी हिंदी की ना लात, हमारी हरियाणवी भाषा की सबने लात पैर तोड़ के रख दी, दर दिया पहले, जो बड़ी घनी अच्छी भाषा बोल रहे हो। अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं हमारी तरह, आप भी बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएं, ये अमेरिका वाले वीजा नहीं देते। भाई साहब मैंने तो तारी तारीफ कर दी थी, तन्ने तो और भी लात तोड़ के रख दी। भाई साहब यो, हेलो भाई साहब, हमारी आवाज आ रही है थारे तक? हाँ जी भाई साहब, यो बॉर्डर क्रॉस करके ये रास्ता रह गयो के, मैंने बारहवीं पढ़ी है, बहुत ट्राई किया, पहला कनेडा का किया, इंग्लैंड का किया, हार के फिर अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका एंटर होना पे, वीजा तो नहीं मिले। रे भाई अपनी पोल नहीं खोलने, यो चुप कर जाओ भाई, अपना नाम ना बताना, नाम नहीं बोलने की जरूरत, जिसे बैठे रहो, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। हाँ बस भाई चुप करो, या थारे मारे बीच में सीक्रेट हो गयो। नहीं कोई चक्कर नहीं है, जे कहंदे जे सीधी उंगली ना के निकले फिर टेढ़ी करके के काट लेना चाहिए। यो बात तो घनी ठीक से मारे भाई की, घनी ठीक बात से। इब मन्ने सोच लिया और कोई चारा मिले ना मिले, चाहे चारे घोटाले वाले के संगे मिलना पड़ जाए, मैं तो अब अमरीका आऊं, जैसे मर्जी आऊं, बॉर्डर क्रॉस कर दूं, बॉर्डर टाप दूं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने के सलाह दिया हमारे को, तो मैं बता ना सकूं। ये हेलो फोन आ गया, हेलो हेलो, हाँ सत श्री अकाल भाई जी, नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए आप इतनी भोली भाली हैं और आप इतनी चतुर हैं, आपके रूप निराले हैं, फिर आपको वीजा कौन नहीं देता? नहीं भाई जी मारी तो ना घनी परेशानी हो रही है, देखो पासपोर्ट की तो मैंने नीली सी कॉपी बना ली, ठीक, मैंने उसमें पन्ने भी दे दिए, 32-30 पन्ने लग रखे उसमें, एक भी पन्ने के ऊपर मोर ना किसी पे भी लगी, मारा तो दिली सी करके घना परेशान हो रहा। आप कह रहे मैं चतुर बहुत सुन, आप गलत जगह पे जाती हैं, कभी किसी खोखे पे जाती हैं, कभी सब्जी वाले के पास जाती हैं, वहाँ थोड़ी वीजा लगता है। कहाँ मिला ये? ये तो फिर तो दिल्ली में एक अमेरिकन राजदूत है, वहाँ जाओ ना। मैं के बताऊं भाई जी, अगर वो नहीं देता ना तो तुम तो हरियाणियों की, वहीं पे उसकी माँ बहन कर देना। अब ठीक है भाई जी, अब ठीक।
ठीक है, इब मैं उसने बता रही, इसने मैंने वीजा दियो तो नौ कैसे दियो इसने, तो इसका तो केवल मैं तो कैसे नहीं देता, मेरे इतने चाहने वाले हैं तो उधर अमेरिका देश में मैं उनका दिल बहलाने जा रही हूँ, तू कैसे मना कर रही है? मैंने देवे ना वीजा, ना देवे वीजा ना मिले मैंने। मैं भाई जी मैं अभी इब मैं थारी वाली तकनीक अपनाऊंगी, इब की बार जाऊंगी ना उसको गेवर की तरह घुमा के आऊंगी मैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, और आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपको वीजा जरूर मिलेगा। मिल जाएगा भी, हमारे लिए दुआ करियो भाई। मैं दुआ करूंगा जी, मैं खुद लेने आ जाऊंगा आपको। जो भाई जी उन्हें लेने आ जियो, मैं कब, मेरे को तो रोज मारे को तो सपना आवे से मैं जहाज से उतर गई, अमेरिका में लोग हार लेके बैठे हैं, मारा स्वागत कर रहे से। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई जी, मैंने तो तारे से बात करके भाई जी। हाँ पूरा हो जाएगा, आप आओ तो सही। मारा ना यहाँ पर तबेला से अपना गाय भैंस का दूध का काम कर रही थी, दूध के दही का खजाना मारा हरियाणा, अभी वहां पे मैं भैंस कहां पे बांधूंगी, तबेला भैंस आने देंगे क्या हमारी जहाज में? अरे दूध भी यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। नहीं नहीं मैंने तो फ्रेश दूध पीने की आदत से, मैं तो अपनी भैंस और अपनी गाय लेके आऊंगी, मैं अपनी गोरी और छोरी को ना छोड़ के आ रही। नहीं 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 वो तो हवाई जहाज में भी भैंस बंदी होती है। होते आप आ जाओ, मैं आ जाऊंगी, मैं आ रही, कोई बात नहीं, मैं उनका भी पासपोर्ट अप्लाई कर ली हूँ, अब तो उनको भी संग में लेके आऊंगी, क्योंकि अब तो थाने मारे को सलाह बहुत अच्छी दे दी कि गाली दे दे फिर। जरूर लेके आओ, जल्दी आ जाओ बस आप। आई मैं भाई जी, आई मैं, बनाओ तुम रोटी तो मैं आज ही पहुंच के दिखाऊंगी इन सब ने। हाँ खैर कोई बात नहीं, यो तो मैंने 5-7 तरह की सलाह मिल गई, पर कह रहे आज मुफ्त की सलाह मिल रही से जितनी मर्जी ले लियो, लेकिन मारे को तो सलाह चाहिए, मैं तो आप मांग रही हूँ। वीरूर मर जा, तन्ने मन्ने बोला था अमेरिका चली जा, तन्ने मन्ने बोला था वीजे अप्लाई कर ले, पूरे 1 साल हो गया मन्ने यूं घूमती घूमती यूं चक्कर लगाती लगाती, ये भाई साहब ने मैंने बोला कि अमरीका के राजदूत पे चली जा, मैं अमरीका के राजदूत पे भी गई थी, इब फोन आ गया। हेलो हेलो, ये भाई जी है ना बहन जी, कोई बोल तो रहे हो नहीं, हेलो कोई बोल लेना, कोई क्यों नहीं बोल रहा, मारे को तो कोई बात नहीं, नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, नहीं बोलो ये मारी तो परेशानी का देखो हल में, 5-7 तरह के हल तो मैंने मिल लिया, एक तो अब भाई जी का मिल गया कि दिल्ली चली जाए, एक बार फिर से ट्राई मार ले, ये मैं जरूर जाऊँ, ये राजदूत को बोल दी हूँ कि देख तू मैंने बंदा बन के यो पासपोर्ट के ऊपर मोर लगा दे वीजे की, ये फोन आ गया। हेलो हेलो बहन जी भाई जी फोन मेरी बात तो सुन लो मारी। हेलो सत्रीकाल जी। सत्रीकाल है बहन जी, यो टीवी के बाद नजर ना मध्यम कर दियो। हाँ नहीं टीवी तो पास ही होगी मैं। हाँ जी बहन जी, मैं के नाम से? हाँ बहन जी, मेरा नाम मनजीत है जी। बहन जी इब बहन हो के बहन की बसा परेशानी नहीं हल करोगे? हाँ पता कि तू थोड़ा पहला दसना सी ना तो फिर थोड़ी परेशानी हल हो जानी सी। कैसे बहन जी, अपने अटैच में पैक करके ले जाते? हाँ जी अकाली लीडर किन्ने आए आए थे, तुसी भी अकाली पार्टी दे मेंबर बन के आ जाना सीगा भी उथे, उन्होंने बादल उन्होंने लवा देना सीगा भी मैं जाके उथे थोड़े मतलब गुणगान करूंगी है ना, उन्होंने नाल आ जाना सीगा। भाई बहन जी मैं के बताऊं, उनसे सड़कों के ऊपर कंक्रीट तो लगनी थी, हमारा वीजा सवाल लगाएंगे के वो? ना वो तो इतने बोल रहे हैं अभी जिम्मे कोई इंडिया गया ही नहीं हुंदा, तुसी देख नहीं रहे असि जे करता सी वो करता, उठे कितना कुछ बोल रहे हैं। इधर तो बहन जी मैं आपको वो के बताऊं, हमारा तो आप हरियाणा का चौटाला घोटाला करके अंदर पड़ा है। अच्छा हमारे तो बड़ी घनी परेशानी हो रही है, बिजली भी नहीं आ रही, पानी की मुश्किल है, सड़कें नहीं बन रही, मैं तो इस करके अपना अपनी जो हमारी छोरी और गोरी है ना हमारी भैंस और गाय, मैं तो उसको लेके शिफ्ट होने का सोच रही हूँ, पर यो वीजा की प्रॉब्लम है। फिर तो इंडिया की गवर्नमेंट का वही होता है, क्या बोलेंगे बहन जी, क्या बोलूं बहन जी, कोई मदद कर दो, भेज दो मैंने वो क्या हो गया सी आपो स्पॉन्सर वो भेज दो मैंने। ठीक है बहन जी, बहुत अच्छा गाना मजा आया थारे से बात करके, बहुत ही गाना मजा आया। हेलो हेलो हेलो, हाँ बहन जी कौन बोल रही है? हमारी बहन मैं सुरिंदर बोल रही पी है, मेनू अपने
हरियाणवी चो दसो भी किदा हेलो हाय करी दा कम हमारे अरे? हमारे हेलो आई इब तो मैं थारे को के बताऊं हमारे में भी राम राम जी करके बुलावे हैं। नहीं नहीं कुछ खंबा गड़े वगैरह बोलते हैं उधर जी, वो तो खमा गणी जो होवे ना वो तो राजस्थानी में बोले से, हमारी भाषा में तो राम राम ही करे हैं। ये भी सुबह सुबह से राम राम शुरू हो जाए, मैं तो राम राम करती करती यहाँ तक भी पहुंच गई, मारो तो कोई काम नहीं हो रहा बहन जी। आप हमें कोई हरियाणवी गाना सुना दे। देखो बहन जी ये भी तुम गाने की बात कर रहे हो, मारो तो अपना बैंड बजो पड़े है। चलो मैं एक गाना बोलती हूँ, आप डांस करेंगे साथ में? सुना दियो बहन जी, एक पंक्ति सुना दियो, प्रोग्राम खत्म करने का टाइम हो रहा, सुना दियो। मोरनी बाबा माँ बोले आधी रात चनन चन चूड़ी गई, देख बाल माँ चूड़ियां चनक गई रात माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, इब रात फिर आ जाएगी तुम सब सो लोगे, हमारी तो रातों की नींद उड़ी पड़ी, जब तक मैंने वीजा नहीं मिल जाता ना मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी। सारों को बहुत बहुत धन्यवाद मरे को इतनी सारी सलाह देने के लिए। इब मैं सबसे पहले दिल्ली की टिकट कटाऊ, राजदूत पे जाऊं, ये उसका गेवर बना के आऊं, वीजा लेके आऊं, और जे मैंने कल तक उसने वीजा ना दिया तो मैं उसका के हाल बनाऊं यो टीवी पे बताऊंगी। इब तब तक के लिए समाप्ति कर दियो, ठीक है भाई जन, बहन जन, सभी जन ने जिन्होंने मैंने बच्चे बच्चे छोटे छोटे बुजुर्गों ने फोन करा, इतना प्रोग्राम देखा, उन सब जन को मारी तरफ से ना प्रणाम है।